बेंगलुरु में एक स्कूल की टीचर की तरफ से सजा मिलने से बेहोश हुई छात्रा की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार टीचर ने छात्रों को खड़े रहने की सजा सुनाई थी। इस दौरान 9 वर्षीय छात्रा को चक्कर आया और वो वहीं बेहोश होकर गिर गई, जिसके बाद बच्ची को MS रमैया अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई है। वहीं बच्ची की मौत से दुखी परिजनों ने स्कूल के शिक्षक पर बच्ची को स्कूल में मारपीट किए जाने का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक मामला गंगमागुडी इलाके का है, जहां एक स्कूल में शिक्षक की तरफ से बच्चों को खड़े रहने की सजा दी गई थी, लेकिन इस दौरान एक 9 वर्षीय छात्रा बेहोश हो गई। पुलिस के अनुसार जब बच्ची बेहोश हुई तो उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के दौरान ही बच्ची की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के मुताबिक रिपोर्ट में बच्ची के शरीर पर चोट का कोई भी निशान नहीं मिला है, जिसके बाद पुलिस की टीम स्कूल पहुंची और टीचरों से पूछताछ की। इसके अलावा स्कूल के CCTV को भी खंगाला जा रहा है। वहीं बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त विनायक पाटिल का कहना है कि CRPC 174 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।